हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबली किचन। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब सेहतमंद और खुशहाल होंगे। आज मैं इंस्टेंट रागी की इडली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि डायबिटिक लोगों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही है, ये फाइबर युक्त भी है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए आधा कप मैंने रागी का आटा लिया है, आधा कप सूजी, कोई भी सूजी आप ले सकते हैं, आधा कप हम दही लेंगे, फ्रेश दही है, अगर खट्टा दही हो तो भी आप यूज़ कोई भी दही यूज़ कर सकते हैं, ये मेरा फ्रेश दही है। और पहले हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने उसी दही वाले कप में ही पानी ले लिया था। अब हम इसको पहले मिक्स करते हैं। ये देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली न रहे। ये अभी देखिए बहुत गाढ़ा है, मैं आधा कप पानी और लूंगी क्योंकि सूजी अभी फूलती है, तो अभी हम इसमें आधा कप पानी और डालेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, दो तीन बैच में। अच्छी तरह मिक्स करना है इसको, बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार करना है। अभी ये भी पानी में डाल रही हूँ, पूरा एक कप पानी डाल दिया है क्योंकि अभी इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो सूजी थोड़ी और आटा भी थोड़ा फूल जाता है, रागी भी फूलती है और सूजी भी फूलती है। आधे घंटे के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। आधा घंटा हो गया है, अब हम इस पे एक छोटा सा तड़का लगाएंगे। एक पैन लेंगे जिसके अंदर एक टेबलस्पून सरसों का तेल डाल देंगे, आधा चम्मच राई, राई को हम तड़कने देंगे, जैसे ही तड़क जाए एक चम्मच उड़द की दाल और एक चम्मच चने की दाल, उसको डाल के हम फ्राई करेंगे। हल्का सा कलर चेंज होने दें, थोड़ा सा, जैसे ही दाल और फ्राई हो जाएगी तो हम इसके अंदर थोड़े कड़ी पत्ता डाल देंगे। तो सेक बिल्कुल हल्का कर लें कड़ी पत्ता थोड़ा, या फिर ध्यान से डालें क्योंकि पत्ते कड़ी के डालने से थोड़े तड़कते हैं, छींटे पड़ने का डर होता है। जैसे ही फ्राई हो जाएंगे तेल जो है आराम से फिर नीचे हो जाता है। अब हम ये तड़का जो है उसी बैटर में डाल देंगे और नमक आधा चम्मच, नमक आप अपने वैसे स्वाद के अनुसार डालें, मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, और इसको मिक्स कर देंगे। तड़का लगाने से इडली में टेस्ट जो है और बढ़िया आता है, कड़ी पत्ते का टेस्ट बढ़िया आता है और दाल का भी बीच में क्रंची टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। देखिए हमारा बैटर भी थोड़ा गाढ़ा हो गया, बस हमें इतना ही चाहिए। अब हम एक बर्तन लेंगे, या मैंने कुकर लिया है उसमें एक गिलास पानी डाल देंगे, उसको उबलने के लिए रख देंगे और इडली स्टैंड को थोड़ा सा ब्रश के साथ ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और बैटर के अंदर हम, जब हमने इडली बनानी है तभी हमने 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है, तो ये मैंने 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। जैसे ही बेकिंग सोडा डाला, ये देखिए ये फर्मेंट होना शुरू हो गया है और फूलना शुरू हो गया है। ये इडली उसी समय आप इंस्टेंट है, ये बिल्कुल फटाफट बना सकते हैं, इसको हमें फर्मेंट करने के रखने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हम एक एक टेबलस्पून के करीब हम इडली स्टैंड में इसका बैटर डाल देंगे, जितनी आपकी आराम से डले, ये ऊपर तक ज़्यादा ना भरे। ये देखिए हमारे पानी में भी बॉईल आ गया है। अब हम वो सारी इडलियों का स्टैंड जो है कुकर में रख देंगे और कुकर का रबड़ और विसल निकाल देंगे और इसको 10 से 12 मिनट के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो ये देखिए इससे चाकू से हम चेक कर रहे हैं, बैटर बिल्कुल, हमारी इडली बन गई है, बिल्कुल साफ निकली है चाकू। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। पहली बार जब आप इडलियाँ बनाते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जब अगली बार बनाएंगे तो फिर ये 7-8 मिनट में बन जाती हैं, पहली बार 10 से 12 मिनट ले लेती हैं। तो अब ठंडी हो गई है, अब इसको हम चाकू से इस तरह से आराम से निकाल लेंगे। ये देखिए वाह, कितनी बढ़िया इडली बनी है और कितनी बढ़िया फूली है। सारी इडलियाँ हम इसी तरह से निकाल लेंगे और दोबारा से फिर इसी स्टैंड के अंदर थोड़ा सा ग्रीस करके हम बाकी के बैटर की भी इडलियाँ बना लेंगे। और दूसरी बार मेरी इडली बनाने में 7-8 मिनट ही लगे। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी इडलियाँ बनके तैयार हो गई हैं। आप इसको सांभर के साथ और नारियल की और चटनी के साथ आप इसको परोसें, बहुत ही टेस्टी लगेंगी। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से कितनी जालीदार और कितनी सॉफ्ट बनी है। आप चाहें तो ये नारियल की मैंने चटनी बनाई है, बहुत ही बढ़िया। इसकी भी रेसिपी आप मेरे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और सांबर है साथ में, उसके साथ आप परोसे, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनके तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये रागी की इडली की रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं।